इमरान खान के तारीखी अल्फाज मेरा किया है, अगर जीत गया तो मेरी कौम जीतेगी, अगर खुदा न खास्ता हारगी तो मेरे पास हारने को है ही क्या। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो खुद देता है। अपने अंदर के खौफ को खत्म कर दो तो तुम दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। मैं मरने के बाद खुदा से ये सुनना चाहता हूँ कि इमरान अपने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अल्लाह ने मुझे एक फाइटर बनाया है, मैं पाकिस्तान में हर एक नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा और मुझे इसके लिए आपका साथ चाहिए। जो इंसान हक पर खड़ा हो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बने, ऐसी रियासत जहां एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो हाकिम वक्त जमादार हो। तब्दीली आएगी अगर हम बदलें। मैं कश्मीर की मुसलमानों का खून भी अपना खून समझता हूं। सियासत नहीं रियासत चलाई जाती, सियासतदार चिल्लाते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जवानों के हाथ में है। कमजोर को कोई नहीं पूछता कि इसको कुछ हुआ क्यों है, सिर्फ कुतोरों को दिखाया जाता है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मसाइल एक ना अहल हुकूमत की वजह से हैं। मैं तब्दीली का जिदोजहद कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को एक नए रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुल्क का निजाम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। कमजोरी कभी मुआफ नहीं की जाती बल्कि उसे दबाया जाता है। करप्शन हमारे मुआशरती सियासत की सबसे बड़ी बीमारी है। बैरून मुल्क जाकर मैंने देखा है कि पाकिस्तान का नाम दायमी तौर पर बदनाम किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान इस्लाम के उसूलों पर चलता तो ये जमीन फलाह व नजात का मुल्क बन जाता। हमें पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना होगा, हमारी किसी दूसरे मुल्क से कोई मदद नहीं आएगी। जब तक गरीब और कमजोर के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाएगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता।